नंबर 23 देखिए, कह रहा 1.6 मीटर ऊंचाई का एक आदमी एक लैंप से जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर है 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है। आदमी की छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है यह आपको निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ धरती का एक तल ले लेता हूँ, यहाँ पर एक लैंप बना देता हूँ, एक लैंप बना देता हूँ, लैंप पोस्ट है, खंभा पे लगा हुआ लैंप है, इस पे यहाँ पे लैंप लगा है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है। चलिए और एक लड़का जो है, लड़का यहाँ पर खड़ा है मान लेते हैं, ठीक है, यह लड़का यहाँ पे है, इसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है, जो कि लैंप से एक्स दूरी पर है, लैंप से एक्स दूरी पर है, या हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर दूरी पर है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ इस तरह से, थोड़ा क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ पे देखो मैं एक नाम देता हूँ ए बी, यहाँ सी और यहाँ डी दे दो, डी इसका मन करे तो ई दे दो। चलिए यहाँ पे समझो आप थोड़ा सा, यह जो चित्र देख रहे हैं इसमें यहाँ पे मान लेते हैं कि यह लैंप पोस्ट से एक्स मीटर दूरी पर है, और जब जाहिर सी बात है यह लड़का है, यहाँ पे लैंप है, ठीक है, लैंप है, तो छाया जो इसका लड़के का बनेगा वो छाया यही ना होगा, तो छाये की लंबाई वाई मीटर मान लेते हैं, ठीक है। माना 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 लड़के के, आदमी है ना जी, आदमी है, चलो आदमी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लड़का आदमी एक ही बात होगी। माना आदमी आदमी लैंप से, लैंप पोस्ट से या लैंप से, लैंप से एक्स मीटर की दूरी पर है, दूरी पर है, और वाई मीटर छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है, ठीक है, वाई मीटर छाया की लंबाई है, ठीक है। चलिए अब देखो हमें क्या निकालना है, तो इसकी छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है यह निकालना, जितना लैंप से दूर जाएगा छाया और उतना बड़ा बढ़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये डीवाई बाई डी टी निकालना है, अच्छा हमें यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में डी एक्स बटा डी टी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है, यह लैंप हो गया, यह लड़का हो गया, यह इधर बढ़ रहा है, यानी कि x का मान बढ़ते जाएगा किस दर से, तो 50 मीटर प्रति मिनट की दर से, और लैंप पोस्ट की लंबाई है। अच्छा यहाँ देखो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं यहाँ से त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी सी ई के, ये तो आपको पता ही है, क्यों, ये 90-90 होगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यह एंगल ही दोनों में कॉमन है, एंगल एंगल समरूपता से आप पढ़े हुए हैं, ये बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जब समरूप हो गया तो ये भी तो पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, समझो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं ए बी लेता हूं इसमें का, ए बी बड़े वाले में का, तो इसमें का क्या हो जाएगा, डी सी ना, डी सी। अच्छा मैं इस त्रिभुज यानी कि ए बी ई का दूसरा भुजा मैं यहाँ पे ए ई ले लेता हूँ, ए ई, ठीक है, ए ई, यह पूरा, तो इसमें का कौन सा लेना होगा, ये लेना होगा ना जी, तो आपका हो जाएगा ए ई लिए तो इसमें हो जाएगा डी ई। यार ये सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना है, देखो फिगर में 4 है, 4 मीटर, और डी बी ई का वैल्यू 1.6 मीटर। ए ई ए ई ए ई ए ई किधर है, ए ई जो है, ए ई यह पूरा यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अच्छा टोटल एक्स प्लस वाई ना होगा, और बटा में डी ई, डी ई आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना जी। पॉइंट आ जाते हैं ऊपर, जीरो लगाते हैं, चलिए देखते हैं, तो 40 बटा में 16 हो जाएगा बराबर में एक्स प्लस वाई बटा में वाई, तो 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y बराबर में हो जाएगा 2x प्लस 2y, इसको इधर ले जाके घटा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर में 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 3 dy बाई dt
बराबर में हो जाएगा 2 इंटू में dx बटा dt। चलिए वैल्यू को रखते हैं, तो dx बटा dt का वैल्यू 50 मीटर प्रति मिनट, अच्छा चलिए रख देते हैं, 3dy बटा dt बराबर 2 गुना 50 मीटर प्रति मिनट, 50 मीटर प्रति मिनट यही ना दिया है। चलिए तो इसमें 2 से गुना करने का 100, ये 3 जाएगा भाग में, तो dy बाई dt जो आ जाएगा वह 100 बटा 3 मीटर प्रति मिनट की दर से छाया की साइज बढ़ेगी। चलिए अगला